उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण को लेकर, दूसरा आप सभी जानते हैं 22,000 सीटों के बारे में, और तीसरा आप सभी को देखने के लिए मिलता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। लगातार छात्रों की तरफ से कभी मंत्री जी को घेरा जाता है, तो कभी अगर बात के मुख्यमंत्री सर से मुलाकात की जाती है, तो कभी मंत्री विधायकों के साथ में मुलाकात करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए, तो कभी 22,000 सीटों के लिए अलग अलग जो मांगे हैं वो देखने के लिए मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे बड़ी जो अपडेट देखने के लिए मिल रही है वो है मंत्री जी के बयान को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की तारीख में हुए धरना प्रदर्शन के अंदर तीन बड़े प्रदर्शन शामिल हैं। जैसा कि आपको बताया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो वही दूसरा आप सभी जानते हैं कि 22,000 सीटों के बारे में, और तीसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन है 69,000 के घोटाले को लेकर। लेकिन मंत्री जी की तरफ से एक बयान यहाँ पर दिया गया है नेशनल मीडिया के अंदर। अब उस बयान को लेकर पहले तो आप सभी सुनिए, उसके बाद में आप सभी को आगे की जानकारियां बताता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे छात्रों की तबीयत भी खराब हो गई है। मैंने सुबह के वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया भी था कि अलग अलग मुद्दों को लेकर हो रहे प्रदर्शन के चलते सरकार अभी तक किसी प्रकार के फैसले को लेकर अंतिम निर्णय नहीं ले पा रही है, ना तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, ना ही 22,000 सीटों के बारे में, और ना ही घोटाले को लेकर। इसी वजह से लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ना तो कोई अंतिम फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और ना ही कोई ठोस आश्वासन अभी तक देखने के लिए मिला है जिससे कि छात्र अपने घरों को वापस आ जाएं। तो ऐसा ही कुछ आप सभी को लखनऊ की सड़कों पर लगातार देखने के लिए मिलता है। शिक्षा विभाग में भर्ती की मांग पर कर रहे अभ्यर्थियों के आंदोलन से जुड़ी है। आज अभ्यर्थियों के एक अन्य समूह ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस से उनकी झड़प हुई। अभ्यर्थियों के अनुसार पुलिस ने उन्हें गालियां दी। आरोप यह भी है कि उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी गई। ये अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 97,000 पदों पर नई भर्ती लाने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर किसी को भी चुभ सकती है। पुलिस का ये अधिकारी जिस तरह गाली देता नजर आ रहा है वो शर्मनाक है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियों में है। दावा किया जा रहा है कि लखनऊ में 97,000 शिक्षकों की नई भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के लखनऊ आवास का घेराव किया था। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने ऐसा सलूक किया। जगह जगह आंदोलन, जगह जगह बवाल, आखिर कब खत्म होगा प्रदर्शन, कब सुधरेगा परेशान शिक्षक अभ्यर्थियों का हाल, ये तमाम अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। लखनऊ समेत पूरे यूपी में अभ्यर्थियों ने अपने आंदोलन से माहौल गर्मा रखा है। आर पार की जंग की बात की जा रही है। कुल चार अलग अलग गुट हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं। मकसद सिर्फ एक है और वो है जल्द से जल्द रोजगार। और इस सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। मैं ये चाहती हूँ जो 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं उन्हें 69,000 में ऐड कर दिया जाए। इन अभ्यर्थियों को पुलिस एक जगह से हटाती है तो ये दूसरी जगह प्रदर्शन करने लगते हैं। लखनऊ में कई जगहों पर ऐसे प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। ये हाल तब है जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा मंत्री को दो टूक निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को भरोसे में लिया जाए। सरकार का दावा रहा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रही है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे सरकार कुछ बताने में हिचकी। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सिर्फ एक है, नियुक्ति, उनको भी शिक्षक बनना है। हालांकि सबके जो तर्क हैं अपने आंदोलन के वो अलग अलग हैं, जो मांग है वो अलग अलग है। यहाँ पर किसी का कहना है कि जो 69,000 की भर्ती हुई उसमें आरक्षण घोटाला किया गया, इसलिए उसमें जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर भर्ती को सही से किया जाए। सरकार के भरोसे के बाद भी प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी वापस लौटने को तैयार नहीं। अब तक दिए गए तमाम आश्वासन बेअसर साबित हुए हैं। इन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जिस समय पूरा विश्व और हमारा देश भी, हमारा प्रदेश भी कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा था और 69,000 भर्ती का मामला माननीय न्यायालय में लंबित था,
सरकार ने विशेष प्रयास करके मामले का निस्तारण करा के और सरकार का जो स्टैंड था, जो पॉलिसी थी, उस आधार पर माननीय न्यायालय ने जब मुहर लगाई तब हमने 69,000 भर्ती प्रक्रिया पूरी की। चुनावी मौसम में हजारों अभ्यर्थियों के जगह जगह हो रहे इस आंदोलन ने विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेरोजगारों के साथ छल किया, नौजवानों के साथ छल किया। जो नौजवान रोजगार की बात करता है, यह सरकार दमन की राजनीति करती है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखती है, उन्हें लाठी डंडों से पीटने का काम करती है। अगर सारी भर्ती हो गई तो अभ्यर्थी सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं? सवाल यह है कि न तो आरक्षण का सही पालन किया गया, न नई भर्ती निकाली गई। एक वर्ग के अभ्यर्थियों को दूसरे वर्ग के अभ्यर्थियों से लड़ाने का काम हुआ। बेरोजगारों के साथ जितना अन्याय इन्होंने किया है, पहले से ही बेरोजगार थे, उनको सड़कों पर धक्के खाने के लिए और छोड़ दिया, कोई और काम भी नहीं करने दिया। इससे पहले हाल ही में 69,000 पदों की भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाने वाले और 68,500 शिक्षकों की भर्ती के बाकी बचे 22,000 पदों को 69,000 की भर्ती में जोड़ने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने भी मुख्यमंत्री आवास से लेकर देसिक शिक्षा मंत्री तक के आवास का घेराव किया था। मंगलवार को जब पुलिस ने देसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर से इन्हें हटाया तो ये अभ्यर्थी वापस देसिक शिक्षा निदेशालय पर आकर धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों की माने तो अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, शासन से भी, मंत्री से भी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं हो रहा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ चले शुरू हुआ एबीपी गंगा लखनऊ। तो अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया होगा तो आपको बीच में मंत्री जी का बयान भी देखने के लिए मिला होगा, जहां पर उनकी तरफ से बताया गया कि डेलीगेशन की तरफ से मुलाकात की गई है, तमाम जानकारियां देखने के लिए मिली हैं। इससे पहले भी उनकी तरफ से तमाम जानकारियां मिली हैं और मंत्री जी की तरफ से उसी बयान को दिया गया है जैसी कि उम्मीद थी कि योगी सरकार का यहाँ पर धन्यवाद देना चाहिए था। धन्यवाद सिर्फ वही दे सकते हैं कि जिनको रोजगार मिल चुका है, धन्यवाद वो कैसे दे सकते हैं जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है। रोजगार के नाम पर मिला है तो सिर्फ गालियां मिली हैं, जैसा कि आप सभी ने कल देखा कि यहाँ पे पुलिस अधिकारियों की तरफ से जो कहीं की गाली गलौज छात्रों के साथ में की गई है। तो ऐसे में कहीं की शासन प्रशासन को इस मुद्दे को लेकर विचार करने की आवश्यकता है। साथ में जो बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से जानकारियां दी जाती हैं कि सरकार का उनको धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद सिर्फ वही देंगे जिनको रोजगार मिला है, क्योंकि हजारों की संख्या के अंदर प्रदेश में पद भी खाली है। तो ऐसे में लाखों की संख्या में छात्र घरों में बैठे हुए हैं, वो धन्यवाद तभी दे सकते हैं जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो या फिर जितने भी धरना प्रदर्शन लगातार लखनऊ के अंदर किए जाएं, चाहे 22,000 को लेकर 69,000 को लेकर, इस पर सरकार की तरफ से सीधे तौर पर जानकारियां दी जाएं, क्योंकि लगातार छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, लगातार छात्रों के ऊपर गालियां देखने के लिए मिल रही हैं। अगर इनका अंत सरकार कर सकती है तभी यहां से अभ्यर्थी उनको धन्यवाद दे सकते हैं। तो ऐसे में मंत्री जी की तरफ से एक बार फिर से वही रटा रटा बयान हम कह सकते हैं कि दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, मुख्यमंत्री सर की तरफ से आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन फैसला कब होगा इसी चीज का इंतजार है, क्योंकि आज के समाचार पत्र में भी आपने देखा कि 69,000 के त्रुटि संशोधन को लेकर भी आश्वासन मिला, तो वहीं 22,000 को लेकर भी आश्वासन मिला, लेकिन कार्य कब तक होंगे यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी को लेकर लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में आप सभी की क्या राय कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि नेशनल मीडिया के अंदर सरकार की तरफ से उन्हीं बयानों को बार बार दे दिया जाता है जो कि इससे पहले भी कई बार दिए गए हैं। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट फ्लैश वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।